हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन स्वागत करता हूं आपका सभी ज्ञान सीखते रहो यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल में ब्लैक वॉलपेपर कैसे सेट करें और इसके क्या फायदे हैं। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे आने वाले नए नए टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि मोबाइल में ब्लैक वॉलपेपर कैसे सेट करें और इसके क्या फायदे हैं। फ्रेंड्स, मोबाइल में ब्लैक वॉलपेपर सेट करने के लिए आपको अपने मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल कर लेना होगा। तो उसके लिए आप अपने मोबाइल का नेट ऑन कर लीजिए और उसके बाद आप अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए और उसके बाद प्ले स्टोर के सर्च बॉक्स पर क्लिक करिए और यहां पर ब्लैक वॉलपेपर टाइप करके सर्च करेंगे तो ये ऐप आपको मिल जाएगा। आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इस ऐप का नाम है ब्लैक वॉलपेपर 4K डार्क एंड अमोलेड बैकग्राउंड। इस ऐप को मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया और इंस्टॉल करने के बाद आप इस ऐप को ओपन करिए तो इस तरह से ओपन होने लगेगा और इस तरह से लोडिंग होने लगेगा। नेट को आप ऑन रखिएगा और लोडिंग होने के बाद यहां पर बहुत सारा ब्लैक वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं यहां पर बहुत सारा ब्लैक वॉलपेपर आ गया। जितना आप स्क्रॉल करके नीचे की ओर करेंगे तो और भी ज्यादा ब्लैक वॉलपेपर यहां पर देखने को आपको मिल जाएगा। आप किसी भी वॉलपेपर पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं या सेट करना चाहे तो सेट भी कर सकते हैं। या अगर जो आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पॉपुलर का ऑप्शन मिल जाएगा और रैंडम का। अगर जो रैंडम पर क्लिक करेंगे तो पर भी यहां पर बहुत सारा वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा, रैंडम ब्लैक वॉलपेपर। और पॉपुलर पर क्लिक करेंगे तो यहां पर बहुत सारा पॉपुलर ब्लैक वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो भी सेट करना है आप उस पर क्लिक करिए और उसके बाद वो वॉलपेपर पूरी तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके इस वॉलपेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। या सेट करना चाहे तो आप यहाँ इस आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आपको यहाँ क्रॉप एंड सेट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ क्रॉप एंड सेट के ऑप्शन पर क्लिक करिए और फर्स्ट बार सेट कर रहे हैं तो आपको यहाँ अलाउ का ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद ये वॉलपेपर डाउनलोडिंग होने लगेगा। देख लीजिए ये वॉलपेपर डाउनलोड हो रहा है और कुछ देर में ये पूरा डाउनलोड हो जाएगा। तो देख सकते हैं डाउनलोड हो गया और डाउनलोड होने के बाद इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पर नीचे में इस तरह का आइकॉन आ जाएगा। तो आप इस आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद इस तरह का यहाँ पर कई ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर होम स्क्रीन का ऑप्शन है। अगर जो आप सिर्फ होम स्क्रीन पर सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ होम स्क्रीन पर क्लिक करिए, या सिर्फ लॉक स्क्रीन पर सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ लॉक स्क्रीन पर क्लिक करिए, या होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन दोनों पर करना चाहते हैं तो आप यहाँ बोथ पर क्लिक करिए। तो मैं होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन दोनों पर सेट करना चाहता हूँ तो मैं इसलिए यहाँ बोथ पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही इतना कर देंगे उसके बाद वॉलपेपर सेटिंग होने लगेगा और कुछ देर में सेट हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर लिखा रहा है सेटिंग वॉलपेपर, मतलब ये वॉलपेपर सेट हो रहा है, अब हो चुका है। यहाँ पर लिखा गया वॉलपेपर सेट। अब मैं होम स्क्रीन पर जाता हूँ तो देख सकते हैं मेरे मोबाइल में ये ब्लैक वॉलपेपर सेट हो चुका है। तो इस तरह से आप मोबाइल में ब्लैक वॉलपेपर सेट कर सकते हैं और ब्लैक वॉलपेपर सेट करने से ये फायदा होगा कि आपका मोबाइल का बैटरी भी कम खर्च होगा। तो फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए।